हेलो बच्चों, वेलकम टू जयंता पब्लिक स्कूल। दोस्तों, मैं हूँ शिवम पांडे और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, हमारा जो टेंस का सफ़र है वो बस समाप्त ही होने वाला है। हमने 10 टेंस अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फिर आपका टेंस कम्प्लीट। और फिर मैं जो आपको बताता हूँ कि आप एक सेंटेंस को लीजिए, उससे उस सेंटेंस को ही सारे टेंस में कन्वर्ट करिए। आप लगातार ऐसा एक महीने करोगे, ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। टेंस में आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी, अगर ऐसा करोगे तब। नहीं करोगे तो आप सारी ज़िंदगी टेंस पढ़ते रहो, सारी ज़िंदगी करते रहो, कभी भी आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी कि आप अब टेंस में गलतियाँ नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके होगे, मेरा भाई तुम्हें पकड़ चुका होगा, वे विद्यालय जा चुके होंगे, ये सभी क्या हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये जान लीजिए, जितना भी परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी में क्या क्या आता है? इसे इट, यू, वी, दे, यू, दे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हर सब के साथ क्या आपको यूज करना है? विल हैव यूज करना है। आई ओ वी के साथ सेल हैव यूज करना है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि विल हैव आप यूज कर सकते हो, गलती नहीं होगा। आई ओ वी के साथ भी विल हैव का यूज कर सकते हो। आप रूल देख लीजिए, तो रूल की बात कर लेते हैं। होता है सब्जेक्ट प्लस विल है ऑब्लिक सेल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रीति प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? विल या सेल पहले आएगा। ये बात तो इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, जान ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उनकी क्या होती है? पहचान होती है। बाकी अगर
कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसे, इस तरीके के वाक्य आते हैं तो आपको उनकी इंग्लिश पहले लिखनी है, ठीक है। व्हाट, व्हेन, व्हेयर, व्हिच, हुज, हाउ, उसके बाद इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना है, आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा। तो रूल सीख लिया, अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। मैं एक खास तरीके का आपको वाक्य बताता हूँ। मेरे जाने से पहले वह आ चुका होगा, मेरे जाने से पहले वह आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह आ चुका होगा किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो वह आ चुका होगा को आपको पहले बनाना है, फिर क्या बनाना है, मेरे जाने को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। जैसे ही विल हैव कम बिफोर आई गो। एक और आपको मैं समझाता हूँ, दूसरा, उसके पहुँचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो जाएगा द ट्रेन है विल हैव लेफ्ट बिफोर ही रीचेज। ये था जो कि आपको, ऐसा आपको पास्ट में भी पढ़ने को मिलता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के पहुंचने से पहले अपराधी भाग चुके थे। तो ऐसा पास्ट परफेक्ट में मिलेगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं आपको। अब दो चार नॉर्मल आपको बता देता हूँ। हम तुम्हारी मदद कर चुके होंगे, तो हम क्या क्या हो जाएगा, वी, वी के साथ क्या लगता है, सेल है, वी सेल है, मदद कर चुके, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर ऑब्जेक्ट यू, फिर हो जाएगा वी सेल नॉट हैव हेल्प्ड यू। आगे बढ़े, सेल वी हैव हेल्प्ड यू, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, सेल वी हैव नॉट, सेल वी नॉट हैव helped you, अगर हमको इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना हो कि हम तुम्हारी मदद क्यों कर चुके होंगे, क्यों शब्द की इंग्लिश पहले लिखिए वाई, और फिर इंट्रोगेटिव जैसा बनाइए, सेल वी हैव helped you। देखिए किस तरीके से आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस बनाने जाते हैं, आपने देख लिया।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। हम यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, आपको सब कुछ फ्री में देते हैं। तो बस आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें सपोर्ट करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़े। हमें जब आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है कि आप हमारे काम को अप्रिसिएट कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करते हो तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा नमस्कार, नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।